भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा नई दिल्ली के सभागार में 26वां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। भारत की सौम्य शक्ति कौशलता चुनौतियों एवं उत्तरदायित्व विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ही भारत को ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनाती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आत्मसात करते हुए भारत अपनी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत के गर्व के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सॉफ्ट पावर कंट्री के रूप में उभर रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला द्वारा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में 26वां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। भारत की सौम्य शक्ति कौशलता चुनौतियां एवं उत्तरदायित्व विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि वैश्विक समुदाय के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण ही भारत को भारत बनाता है, जो हमारी सौम्य शक्ति है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ये हस्ती है। ये जो जीजी विषा है, ये जो हमारा जीवन की ओर देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जो हमारे गरीब से गरीब वंचित से वंचित व्यक्ति ने भी वास्तविकता में उतारा है, उसकी दिनचर्या में जो झलकता है, मैं मानता हूँ कि यही भारत को भारत बनाता है। इस अवसर पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में निहित परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ वैश्विक समुदाय के प्रति चिंतन का लक्ष्य ही हमारा सॉफ्ट पावर है। परिवार के सभी सदस्यों का समाज के प्रति, समाज के सदस्यों का राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के नागरिकों का विश्व के नागरिकों के प्रति जो दायित्व है, जो संबंध है, इसे उकेरना, उभारना, यही हमारे भारतीय चिंतन का लक्ष्य रहा है और वही इस सौम्य संपदा के अंतर्गत भारत को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता ने कहा कि इस व्याख्यान को आयोजित करते हुए 25 साल हो गए हैं। हर साल ऐसे समसामयिक मुद्दों पर व्याख्यान होता है जो सभी के लिए उपयोगी हो। 25 साल से ऊपर हो गए हैं इसको होते हुए, और इसकी प्रासंगिकता ये है कि हम लोग जो समसामयिक मुद्दे होते हैं और जो सबसे पहुँचे हुए विद्वान होते हैं, उनको हम बुलाते हैं उन मुद्दों पर बोलने के लिए, और कोई नया परिप्रेक्ष्य, कोई नया दृष्टिकोण वो सामने रखते हैं और वो सबके लिए उपयोगी होता है। इस अवसर पर संस्थान द्वारा हिंदी माध्यम से प्रकाशित दो अर्धवार्षिक शोध पत्रिकाओं हिमांजलि अंक 27 और चेतना अंक 5 का लोकार्पण भी किया गया। भौतिकवाद की अंधी दौड़ से जूझ रहे वैश्विक जगत में एक ओर जहां भारत के सौम्य पावर की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर पूरी दुनिया अग्रसर भी हो रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ मैं ओपी यादव, DD News दिल्ली।